नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया फर्स्ट न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। 30 जनवरी 1948 दिल्ली में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसी घटना जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले शख्स का नाम नाथूराम गोडसे था। लेकिन अब विडंबना देखिए, गांधी के बूते पर राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी ने गांधी के हत्यारे को पूजने वाले शख्स को कांग्रेस में शामिल कर लिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के इस कदम में विपक्ष को तो निशाना बनाने का मौका दे ही दिया, वहीं कांग्रेस के भीतर भी हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने जिस दमदारी से साहब के खिलाफ बिगुल फूका है, उससे आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर एक बड़े टकराव की आहट साफ सुनाई दे रही है। कांग्रेस में गोडसेवादी नेता की आमद ने नए कोहराम की भूमिका रच दी है। इससे मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर नेताओं के बीच ही संवादहीनता पर भी सत्ता और विचारों को लेकर टकराव भी सामने आ गया है। 3 साल में पहली बार कमलनाथ के फैसले पर किसी नेता ने पूरी ताकत से उंगली उठाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बापू हम शर्मिंदा हैं। कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया के संदेश पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तो टैग किया, लेकिन कमलनाथ को टैग नहीं किया। दो विचारधाराएं देश में काम करती साथियों, एक गांधी की विचारधारा है और एक गोडसे की विचारधारा है। गांधी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा और इसलिए मैंने अपना जो मेरे मन में था वो मैंने अपना विचार प्रकट किया सबके सामने। और ये मेरा विचार नहीं है, ये विचार प्रदेश के और देश के लाखों लाखों उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विचार है जो गांधी की विचारधारा से जुड़ा है, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है। और इसीलिए जो मुझे उचित लगा मैंने वो कहा, हम गांधी जी की परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी विचारधारा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं और गोडसे की विचारधारा में हम सम्मिलित नहीं हैं। जिस शख्स को लेकर कांग्रेस में बवाल मचा है, आइए उस बाबूलाल चौरसिया के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल ग्वालियर के रहने वाले बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस पार्टी ने 2015 में पार्षद का टिकट नहीं दिया था। इससे नाराज होकर उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन की और चुनाव भी जीते। 2 साल बाद बाबूलाल अचानक चर्चा में आ गए। चर्चा इसलिए क्योंकि 15 नवंबर 2017 को इन्होंने ग्वालियर में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाया। केवल मंदिर ही नहीं बल्कि जलाभिषेक भी किया। भाजपा ने भी कांग्रेस के इस विचारधारा के जबरदस्त स्टंट पर करारा प्रहार किया है। देखिए, वो कांग्रेस के गांधी राहुल गांधी हैं, हमारे गांधी महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता, हमारी पंचनिष्ठाओं में गांधी है। जहां तक सवाल कमलनाथ जी का है, अब अरुण यादव जी जैसे बचे कितने हैं उस कांग्रेस में? अधिकांश सोकॉल्ड तथाकथित गोडसे भक्ति हैं, रूप अलग अलग और स्वरूप अलग अलग, नाम अलग अलग, दल अलग अलग से आए हुए। अरुण यादव जी के पिताजी भी कांग्रेस में रहे, वो भी रहे और इन्होंने तो कभी राहुल गांधी की नहीं मानी कमलनाथ जी ने, तो अब क्या मानेंगे। खास बात तो ये है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में ही चौरसिया की अगुवाई में गोडसे का मंदिर बनाने का मामला सामने आया था। बाद में कमलनाथ सरकार ने ही प्रकरण में दर्ज भी किया था। वहीं महत पार्षद को कांग्रेस की सदस्यता कमलनाथ द्वारा दिलाना इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि कमलनाथ अक्सर ऐसी किसी कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, लिहाजा कमलनाथ के इस कदम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज। अगर वीडियो पसंद आया तो इंडिया फर्स्ट न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपडेट रह सकते हैं।